नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्मी फ्यूगो ग्रुप की अगली रेमेडी जिसका नाम है वर्मी फ्यूगो टू। और सबसे पहले इसके प्लांट्स के बारे में जानते हैं। तो इसमें जो प्लांट्स हैं वो है इसका जो प्रतिरूप पौधा है, जिस प्लांट्स के पीछे ये स्पेसीमैन प्लांट है, जिसके पीछे ये पूरी रेमेडी चलती है या जिसको ये फॉलो करती है पूरी, वो है आर्टिमेशिया सीना। दूसरा प्लांट है इसमें एलियम सटाइवम जो वर्वन में भी था। तीसरा प्लांट है चेनोपोडियम, ये भी वर्वन में था। फोर्थ प्लांट है डिक्टेमस एल्बस, ये भी वर्वन में था। और नेक्स्ट प्लांट है स्पाइजिलिया, ये वर्वन में नहीं था, ये वर्टू में है। रूटा प्लांट भी वर्वन में था और वर्टू में भी है। और टेनासेटम वुलगेरी, ये प्लांट वर्टू में है, वर्वन में नहीं था। तो एक तरीके से देखा जाए इसमें तीन प्लांट अलग हैं जो वर्वन में नहीं थे, सीना और स्पाइजिलिया और टेनासेटम। ये तीन प्लांट इसमें अलग अलग हैं। इनके बारे में अब हमें जो है जानना है कि इन तीन प्लांट्स की प्रॉपर्टी क्या है। बाकी सारे प्लांट्स हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए अब बात करते हैं वर्टू के प्लांट्स की। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिमेशिया सीना। सीना जो रेमेडी है वो होम्योपैथी में भी बड़े स्केल पे यूज़ होती है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी यूज़ होती है। होम्योपैथी में इसका जो मैक्सिमम यूज़ है वो है पेट के कीड़े और वॉर्म्स को लेके इसको दिया जाता है, पेट में होने वाले दर्द के लिए भी इसको दिया जाता है। वही सेम प्रॉपर्टी दोनों यहाँ भी ये फॉलो करती है, जहाँ पे पेट में कीड़े, इंटेस्टाइल में इरिटेशन और कब्ज वाली कंडीशन, पेट में दर्द। और एक और प्रॉपर्टी है हाथ हाथ पैरों में जो जर्किंग होती है, कई बार झटके जैसे टाइप जैसी लगती है, वहाँ पे भी वर्टू काम करती है, लेकिन उस जगह ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन में काम करती है सीना प्लांट की वजह से। तो इंटरनली वैसे वर्वन भी काम करता है वॉर्म्स में, लेकिन अगर वर्टू हम देंगे वाई के साथ में तो वॉर्म्स में पेट के कीड़े में वर्वन की जगह वर्टू ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो ये सीना था। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है स्पाइजिलिया, और स्पाइजिलिया भी ऐसा प्लांट है, ये होम्योपैथी में भी यूज़ होता है, वहाँ पे पोटेंसी में 30 और 200 पोटेंसी में मैक्सिमम उसका यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे स्पाइजिलिया का जो यूज़ है वो पैल्पिटेशन में है, घबराहट और धड़कन बढ़ने में जो हम बोलते हैं, यहाँ भी हम वर्टू को यूज़ कर सकते हैं घबराहट में। इंटरनल में भी वर्वन की जगह लिया जा सकता है। और दूसरा इसका जो सिम्टम है इस प्लांट का वो है लेफ्ट साइड वाला माइग्रेन, यानी कि लेफ्ट साइड में होने वाला सर का दर्द। तो लेफ्ट साइड में जब माइग्रेन सेटल हो आके कहीं, मतलब माइग्रेन स्टार्ट हो पीछे से और लेफ्ट साइड की आई पे आके वो सेटल हो जाए, तो आप वर वन के जगह वर टू का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। वर टू वाई सी वन इसको इंटरनली, और एफ टू वर टू सी फाइव डब्ल्यू ई ए टू ये सब एक्सटर्नली आप लगा के यूज़ करेंगे। तो स्पेशली क्या स्पेसिफिकली लेफ्ट साइड का जो माइग्रेन है उसमें आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। पेल्पिटेशन होती है उसकी वजह से, उल्टी होने जैसी सिचुएशन बनती है जब माइग्रेन होता है, चक्कर आने की सिचुएशन बनती है, वर्टाइगो, नोजिया और हेडेक, ये सब सारी कंडीशन है, कहीं ना कहीं इन सब को ये कवर करती है। इसके अलावा पैल्पिटेशन मतलब धड़कन बढ़ना, जो हार्ट होता है उसकी हार्ट बीट तेज चलना, एंजाइना जैसा पेन लेफ्ट साइड में महसूस देना, वहाँ भी आप वर्टू को यूज़ कर सकते हैं, और बिकॉज ऑफ स्पाइजिलिया ये उस जगह बहुत अच्छा काम भी करेगी। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है टेनाकेटम वुलगेरिस, और ये जो रेमेडी है ये सर पे बहुत अच्छा, हेड की जो प्रॉब्लम है, माइंड में जो बहुत सारे थॉट्स, रनिंग थॉट्स माइंड में चलने की वजह से दिमाग को थकना जिसे बोलते हैं एक तरीके से, माइंड की फटीक, उसमें ये बहुत अच्छा आराम करती है। खासकर एक्सटर्नल एप्लीकेशन जब इसका किया जाता है फोरहेड पे, यहाँ इस पूरे पूरे पॉइंट्स पे हम करते हैं, तो मेंटल फटीक को ये दूर करती है। दूसरा इंटरनली भी इसको लिया जा सकता है मेंटल फटीक में, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की कमी जब हो जाए, और इसके अलावा थोड़ा बहुत काम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी इसका देखा गया है, लेकिन जो मेन जो एक्सटर्नली इसका यूज़ है वर्टू में जिसके लिए इसको किया गया वो है रूमेटिक पेन,
जॉइंट्स में होने वाले दर्द, चाहे यूरिक एसिड की वजह से हो या रोमेटिज्म की वजह से हो, उन सब जगह एक्सटर्नली काम करती है। बैक पेन, बैक एक किसी भी वजह से बैक एक हो रहा हो, और स्पेशली इसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए इस प्लांट को इसमें डाला गया है। लेकिन फिर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जैसे वर वन काम करती है वैसे वर टू भी काम करती है, क्योंकि 60-70% जो प्लांट्स हैं वो दोनों में सेम ही हैं। तो वो है दूसरा कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में, क्योंकि एलियम सैटिवम उसमें भी था इसमें भी है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं ये काम करती है। और ये प्लांट जो टेनासेटम है, ये इसकी अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली अभी इसी की हम बात कर रहे हैं, ये एक्सटर्नली जो है वो मेंटल फटीग और रोमेटिक रोमेटिक जो पेन होते हैं या किसी भी टाइप के अर्थराइटिक या रोमेटिक पेन है वहाँ पे ये काम करता है, बैक एक सभी जगह इस प्लांट को। तो ये वर टू के जो प्लांट्स थे, कुछ प्लांट्स हमने कल पढ़ लिए थे वर वन में, कुछ तीन प्लांट्स बचे थे वो आज मैंने आपको बताए। तो ये प्लांट्स को देख के क्लियर हो रहा है कि वर वन का एक्सटर्नल ये एक तरीके से इसको माना जा सकता है कि वर वन को हम इंटरनली ले रहे हैं सेम ट्रीटमेंट में, और वर टू को सेम ट्रीटमेंट में आप एक्सटर्नली ले रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है और कि जहाँ पे वर वन इंटरनली काम नहीं करती है वहाँ पे फिर हम वर टू का यूज़ करते हैं, वही सेम एफ वन एफ टू में भी है, क्योंकि प्लांट्स सेम है लेकिन जो दो तीन प्लांट अलग हैं उनसे थोड़ी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, खासकर हेडेक में। लेफ्ट साइडेड माइग्रेन में आप सी वन और वाई के साथ में वर वन की जगह वर टू यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी जो इसका मेन इम्पैक्ट है वो एक एक्सटर्नल रेमेडी के रूप में ही है। हालांकि देखा है हमने भी, बहुत सारे लोगों ने और ने भी, सीनियर लोगों ने भी, कि दूसरी कंडीशन में भी इसको इंटरनली भी दिया जा सकता है। वायरल फीवर में आप इसको इंटरनल देंगे तो वो वहाँ भी ये बहुत अच्छा काम करती है, शायद वर्वन से भी अच्छा काम वहाँ पे ही करती है। लेकिन हाँ, रेपुटेशन इसकी जो है वो एक्सटर्नली एप्लीकेशन में ही है, सभी टाइप के पेन में। इवन स्पाज्मोडिक जो पेन होता है, वो पेट में दर्द जिसको अलग अलग कंडीशन की वजह से होता है वहाँ भी। और वर वन वाई, जैसे मैंने एफ टू ए टू एफ टू वर वन वाई बोला था, ए टू एफ टू वर टू वाई भी काम करता है, खासकर कोलिक जब इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ हो और वोम्स से जनरेटेड, अगर वोम्स के थ्रू जो उसका कोज है मेन वो रहे तो वर टू बहुत अच्छा काम करती है, और कीड़ों को, पेट के कीड़ों को ये जो है एक तरीके से पैरालाइज कर देती है, खासकर एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ही। वर टू और वाई को जब हाथों पे अप्लाई किया जाता है, वर वन को इंटरनल लिया जाता है, तो पेट के कीड़े बहुत जल्दी इससे साफ हो जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि वर टू के बारे में तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ तो वही हैं जो वर वन की हैं, वही वर टू की भी हैं, बस लेफ्ट साइडेड माइग्रेन और वोम्स पे ये अच्छा काम करती है बिकॉज ऑफ सीना। सीना की बहुत अच्छी रेपुटेशन है वोम्स में, होम्योपैथी में भी वही सेम, हमारे यहाँ इसमें भी वही उतनी ही रेपुटेशन इसमें बैठ रही है। और वो कंपोजिशन को मिला के भी जो वर टू है उसकी कंपोजिशन एक तरीके से एंटी वोम जो रेमेडी, एंटी स्पाजमोडिक एंटी वोम हम इसको बोल सकते हैं। तो इसकी जो रेपुटेशन हो गई वो मैक्सिमम एक्सटर्नल एप्लीकेशन में होगी, लेकिन पेट के कीड़ों में, कॉन्स्टिपेशन में भी वर वन के इक्वेलेंट ही ये काम करती है। कई बार अगर कॉन्स्टिपेशन पेट के कीड़ों की वजह से है तो वर वन वहाँ पर काम नहीं करेगी, वहाँ पर वर टू ही वर वन से अच्छा काम करेगी। और लेफ्ट साइडेड माइग्रेन में इंटरनल दे सकते हैं आप इसको। इसके अलावा एक्सटर्नल एप्लीकेशन में ये एंटी फंगल है, फंगस में, एक्जिमा में, सोरेसिस में, डेंड्रफ में, वाई के साथ में आप इसको लगाएंगे, किसी ऑयल में मिला के D4 कॉम्बिनेशन के साथ। C3 लेंगे, हेयर फॉल में C4 लेते हैं हम ऑयल में, और डेंड्रफ होता है तो उसमें C3 लेते हैं, C3 वर टू वाई K3 वगैरह हम डाल के हेयर ऑयल में उसको एंटी जो डेंड्रफ होता है वो उसको बनाते हैं। इसके अलावा जो मसल पेन होता है वहाँ पे S5 के साथ में, S5A1 वर टू और RE या G में से कोई एक, F1 या F2 एक्सटर्नली दे, एक्सटर्नली लगा रहे हैं तो F2 मोस्टली हम यूज़ करते हैं, इसमें किसी भी टाइप के ऑयल में मिला के हम इसको लगाएंगे तो सभी जो पेन है आप बनाएंगे उसको तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और मैं थोड़ा सा शेयर करूँ अगर आपके साथ में, तो आप इसको तिल के ऑयल में बना सकते हैं। तिल के ऑयल लेंगे आप और उसमें
थोड़ी सी देसी कपूर आपको मिलानी है, तिल का ऑयल, और उसमें एक टिक्की या दो टिक्की जो देसी कपूर हम पूजा में यूज़ करते हैं अच्छी क्वालिटी का, उसको पीस के उसमें डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। फिर उस कॉम्बिनेशन में आप जो है अपनी रेमेडी बनाइए 1:9 के रेशो से D4 में। तो पेन में आप A2, F2, VAR2 और RE का मोस्टली हम यूज़ करते हैं पेन में, एक्सटर्नली एप्लीकेशन में, खासकर ऑयल में। और इसको जब एक C5 ले सकते हैं, C4 या C5, बिल्कुल रूमेटिक पेन है या यूरिक एसिड से जुड़ा हुआ पेन है तो C4 ज़्यादा काम करेगा आपका, और मसल पेन में C5 या C3 हम ऐड कर सकते हैं। उसको मिला के एक कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे किसी भी व्हीकल में, मोस्टली तिल के तेल में, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। दिन में 2 बार 3 बार इंटरनल रेमेडी के साथ में हम यूज़ करेंगे तो ये एक अच्छा पेन ऑयल अपने आप को प्रूव करेगा, कर चुके हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं। फिर दर्द चाहे रीढ़ की हड्डी में है, चाहे घुटनों में, चाहे बैक में है, सब जगह ही काम करेगा। इवन टेंडनाइटिस और लिगामेंट्स में चोट लगने के कारण जो प्रॉब्लम होती है वहाँ भी इसको आप कॉम्प्रेस और ऑयल की जो मसाज होती है वो दोनों तरीके से यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये काम करेगा, बशर्ते साथ में जो दूसरी हेल्पिंग रेमेडी है वो हमेशा साथ में रहनी चाहिए। और जो वर्वन की प्रॉपर्टी थी कि कोई रेमेडी काम करना बंद कर दे तो आप वर्वन की 2-4 ड्रॉप दे सकते हैं, लेकिन आपको पता चल रहा है कि जो हम कॉम्बिनेशन दे रहे हैं उसने काम करना बंद कर दिया और उस कॉम्बिनेशन में वर्वन ऑलरेडी था, तो आप उस रेमेडी को रोकिए और VAR2 की 2-3 खुराक दे के फिर अगले दिन से आप वापस उसको स्टार्ट करेंगे तो फिर वापस आपको वो फॉर्मूला जो है वो काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में, अगर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन है तो आप VAR1 की जगह VAR2 ही दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम वहाँ पे पेट में जो कीड़े होते हैं उनकी वजह से ही वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन कॉज होता है। लेकिन बड़ों को भी दे सकते हैं आप VAR2Y/C10, इसको D4 में आप देंगे 20 से 25 बूंद रात को गुनगुने पानी के साथ में। तो बड़े आदमी के लिए बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों को आप 5 ड्रॉप देंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरे फेसबुक ग्रुप में से हमारे एक मित्र थे, नाम मेरे याद नहीं है, उनका फ़ोन आया था मेरे पास, व्हाट्सएप मैसेज भी आया था, उनके पास कोई पेशेंट था और उसको 5 दिन से स्टूल पास नहीं हुआ था, 5 दिन से पोटी नहीं हुई थी उस बच्चे को, कुछ रेमेडी दी थी उन्होंने भी जिससे उसको आराम नहीं हुआ, VAR1 ये लगभग यही कॉम्बिनेशन वो दे रहे थे लगभग, लेकिन VAR1 वो उसमें दे रहे थे ऐड करके। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर क्या हम ट्राई कर सकते हैं, वो एक्चुअली उसको फिर नहीं तो एलोपैथी किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं एनीमा वगैरह लगवाने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि ये वाला सेम कॉम्बिनेशन मैंने बताया था VAR2/YEC10, इसको D4 में बनाइए और बच्चे को 5 बूंद आप दीजिए शाम के टाइम लगभग 6-7 बजे, और थोड़े गर्म पानी में, और 5 बूंद मैंने दिलवाई थी शक्कर वाला जो या गुड़ वाला जो दूध होता है, रात को थोड़े से गर्म 1 कप दूध में 5 बूंद डलवाई थी मैंने उसकी। तो फिर जो है अगले दिन सुबह 2-3 बार करके, अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे 2-3 बार करके उस बच्चे का पेट पूरा साफ हो गया। तो ये VAR2 का जो कमाल है, और उसके पेट में एक्चुअली कीड़े थे जो बाद में डिटेक्ट भी हुए थे जिनकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन को वहाँ पे हो रहा था, VAR1 उतना अच्छा काम नहीं वहाँ पे कर पा रही थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर ध्यान में रख के हम काम करते हैं तो क्योंकि केवल 38 रेमेडी है अगर देखा जाए, या दूसरी 22 रेमेडी को भी जोड़ लिया जाए जो कॉम्बिनेशन में बनी है जिनके बारे में बताऊँगा, वो बहुत इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है, सिंगल सिंगल तरीके से वो काम करते हैं, बाद में बताया जाएगा उनके बारे में भी। तो केवल 38 रेमेडी को आपको पढ़ना है, समझना है अच्छे से, और फॉर्मूले खुद बनते चले जाएंगे, खुद ब खुद जो है वो सिम्टम्स मैच होते चले जाएंगे। तो ये वीडियो था आज हमारा VAR2 के ऊपर जो टॉपिक था आज का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।